इंटीग्रल निकालना है, यहाँ पे दिया है रूट अंडर टेन एक्स इंटू में सेक का पावर 4x dx। अब इसमें देखिए एक काम करो, यहाँ पर इसे टेन एक्स का पावर 1/2 कर सकते हैं इंटू में यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, दो बार लिख देते हैं, एक सेक स्क्वायर को अलग रखेंगे उसको और एक को कन्वर्ट कर देंगे टेन में, टेन एक्स का पावर 1/2 इसका हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स और इंटू में ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे ही। अब इसमें पुट कर दो टेन एक्स को टी, टेन एक्स को टी और इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, टी का पावर 1/2 इंटू में 1 प्लस का टी स्क्वायर इंटू में डी टी। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में, तो यहाँ से आ जाएगा टी का पावर 1/2 और इंटू में टी का पावर, पावर ऐड हो जाएगा 5/2 डी टी, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और बाई में 3/2, प्लस में टी का पावर 7/2 और बाई में यहाँ पे 7/2 और प्लस में सी। अब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस का 2/7 टी का पावर 7/2 प्लस सी, टी का वैल्यू वापस रख देते हैं, तो 2/3 टेन का पावर 3/2 एक्स प्लस 2/7 टेन का पावर, टेन का पावर 7/2 एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन।